आपको व्यवसाय के बारे में जीत कैसे हासिल करनी है ईमानदारी से। बल्लभ दास जी ने और श्री डी आर मेहता ने आपको सामाजिक तौर पर जीत कैसे हासिल करनी है वो बताया है। मुझे दिल्ली में रहते हुए कई बार विज्ञान भवन में, कई दर्जन बार विज्ञान भवन में विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने का अवसर मिला। पहले सेशन में जिसमें इनॉग्रेशन होता है उसमें शायद हॉल आधा या पौना भरा होता है। अधिकतर जो श्रोता होते हैं वो मजबूरी में आते हैं, कोई ना कोई मजबूरी होती है, और जैसे ही पहला सेशन खत्म होता है उसके बाद में हॉल में संख्या एक दसवां हिस्सा रह जाता है, क्योंकि उनका कोई उस विषय के बारे में कोई जुड़ाव नहीं है। आप लोगों की उपस्थिति देखकर लगता है कि आप धर्म के नाम पर नहीं जुड़े हैं, बल्कि आपका जुड़ाव है सेवा के भाव से। सुबह श्री ओसवाल जी ने तीन शब्द प्रयुक्त किए थे, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। इन शब्दों की व्याख्या अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन तीसरे शब्द के बारे में आपको जरूर कहना चाहूंगा, और वह एक कहानी नहीं है, एक सत्य बात है जिसके जरिए आपको मैसेज मिल जाएगा और जो आप वास्तव में अभी भी कर रहे हैं। घनश्याम दास बिरला अपने जमाने के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, एम्पायर आज भी है सब जानते हैं। उनके पास में मदन मोहन मालवीय गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए, चंदा लेने के लिए। जब मालवीय जी बिरला जी के पास बैठे थे तो बिजली गुल हो गई। उनका काम करने वाला आदमी मोमबत्ती लेके आया या लालटन लेके आया और उसने माचिस जलाई, तीली से जली नहीं मोमबत्ती, एक दो तीन चार, चौथी बार जब यह हुआ तो उन्होंने उस आदमी को झिड़का कि तुम ध्यान से नहीं कर रहे हो। कुछ देर बाद में बत्ती आ गई। जी ने पूछा क्या प्रयोजन है आपके आने का? उन्होंने कहा मैं ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहा हूं जो 500 साल तक भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए काम आएगी, उसमें आपका योगदान चाहिए, दान चाहिए। बिरला जी ने पूछा कितना चाहिए? मालवीय जी के मन में यह भ्रांति थी कि जिस आदमी को माचिस की चार तीलियां जलाने के, बुझने के ऊपर नौकर को झिड़का है, वो क्या कंजूस आदमी है। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए कहा उस जमाने में। बिरला जी ने अपने मेज की दराज से चेकबुक निकाली, 5 लाख का चेक लिख करके दे दिया। मालवीय जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने 2.5 लाख मांगे थे ये सोच करके कि आप कंजूस हैं, और आपने 5 लाख रुपए दे दिए हैं। बिरला जी को जो जवाब है वो मेरा ख्याल है हर इंसान को आत्मसात कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तीलियां देश की संपत्ति है, उसको जब मेरे काम करने वाले ने वेस्ट किया था तब मैंने उसको डांटा, आप जो काम कर रहे हैं वो भारत की भविष्य की पीढ़ी के लिए है और मैं कोई दान नहीं दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचने की बात है, मैं कोई दान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपना ऋण उतार रहा हूं।
तो श्री मोतीलाल जी ने कहा कि रिटर्न, आप हम सब लोग किसी न किसी के ऋणी हैं, सर्वप्रथम माता पिता के ऋणी हैं, उसके बाद में शिक्षकों के ऋणी हैं, उसके बाद में जो आपके प्रोफेशनल गुरु हैं उनके ऋणी हैं। आप जब भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आज जैसे सुबह दिखाया गया लड़कियों के लिए हॉस्टल, 14 हॉस्टल बनाने का, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। जिस किसी ने उसके लिए पैसा दिया, उनके मन में भावना यही रही होगी कि मैं समाज को अपने ऊपर जो ऋण है उसको उतार रहा हूं। आजकल आप सब लोग अखबारों में पढ़ते हैं और उस विषय से जिससे मेरा जुड़ाव रहा है 41 साल तक, 41 से भी अधिक सालों तक, कि अदालतों में मुकदमे बहुत पेंडिंग रहते हैं और डिले बहुत होती है। आप लोगों में से जो 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं उनको शायद कुछ ज्ञान होगा कि अदालतों में मुकदमों की किस तरह से परिवर्तन हुआ है। पहले मुकदमे हुआ करते थे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, मनी लेंडिंग के सूट्स हुआ करते थे, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में मैंने देखा है कि पूरा बदलाव हो चुका है। आपको मैं 2-3 उदाहरण दूंगा और उससे आप समझेंगे कि अदालतों में देरी क्यों होती है। लेकिन उसके पहले आप सबको एक बात समझ लेनी चाहिए और भारत के हर नागरिक को समझनी चाहिए कि जो ये अखबार या राजनीतिज्ञ अदालतों में पेंडेंसी की बात करते हैं वो एक चीज भूल जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं, जो मुकदमा आज 23 तारीख को किसी अदालत में दायर हुआ, अखबार वाले और राजनीतिज्ञ उसको 24 तारीख को लंबित मुकदमा मानेंगे, एरियर्स का पार्ट मानते हैं वो। जिसकी पेंडेंसी को 2 दिन हुआ उसको एरियर्स मानते हैं और बताते ये हैं कि सालों पेंडिंग है। आज किस तरह के मुकदमे हुए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, यह पंजाब का है। एक दिन अखबार में खबर छपी कि सतलज नदी में 5 टन मरी हुई मछलियां पाई गई। जो प्रशासन है वो कोई काम नहीं करता इस पर, ना तो म्युनिसिपैलिटी का करता है ना गवर्नमेंट का करता है। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और यह सुप्रीम कोर्ट में भी होता है आज। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, इन्वेस्टिगेशन जब कराया तो पता पड़ा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है नदी में उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई और इस कारण से मछलियां मारी गई। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पाया कि इस नदी के 50 किलोमीटर की लंबाई तक जितने गांव हैं उनके दोनों साइड के कुओं में पानी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया है। एक इस तरह के मुकदमे आते हैं कोर्ट में, दूसरी तरह के मुकदमे जिनके बारे में चर्चा आप रोजाना सुनते हैं। एक मुकदमा चूंकि मैंने तय किया इसलिए उसके बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ नाम लूंगा, टेलीकॉम स्कैम, सीडब्ल्यूजी स्कैम,
कोलगेट स्कैम, मैं उन सब व्यक्तियों से पूछना चाहूंगा कि जब प्रशासन दोनों तरफ से किसी गलत काम को करने में लगा हुआ है तो ऐसी कौन सी संस्था आपके देश में जो उसका संज्ञान लेगी? अगर आपके पास में कोई फोरम नहीं है जिसमें इस तरह की गलत कामों को देखा जाएगा, तब अंत में क्या होगा आपका हाल? लोग सड़कों पे आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और एनार्की हो जाएगी। जुडिशरी जो सुओ मोटो काम करती है या डिफरेंट तरीके के मुकदमे एंटरटेन करती है, वो समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक कुशन की तरह से काम करता है और उसमें निश्चित रूप से कोर्ट का काफी समय जाता है और इस कारण से भी मुकदमों की लंबित रहने की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा, आपने कभी नहीं देखा होगा, सोचा भी नहीं होगा, हम सब आम बात में अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि वहां मुकदमे 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, ब्रिटेन से कंपेयर करते हैं, सिंगापुर से कंपेयर करते हैं। सिंगापुर तो टाइनी एक स्टेट है जिसकी आबादी राजस्थान के एक जिले जितनी भी नहीं है। अमेरिका में 10 लाख केसेस पर 10 लाख लोगों के लिए 101 जज हैं और भारत में 10 लाख लोगों के लिए कुल 3 जज हैं। कौन तय करेगा? इस विषय पर तो गंभीरता से कभी बात नहीं होती है, लेकिन ऐसा विषय है जिस पर मैं वार्ता विस्तार से कभी आपके साथ करूंगा, समय मिला तो। एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर, मैंने अभी मोतीलाल जी से भी कहा, आपने शिक्षा में बिजनेस की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात की, रेवेन्यू सर्विसेज की बात की, बहुत अच्छा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले सालों में इस समाज के कोई धर्म की बात करने की आवश्यकता नहीं है, इस समाज के यंग लड़के और लड़कियां बहुत अधिक संख्या में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य सर्विसेज में आएंगे। आपने एक बात छोड़ दी, वो है लीगल एजुकेशन। पता नहीं मुझे आपको अनुभव है या नहीं है, जितनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यहां बिजनेस करती हैं इंडिया में, वो एग्रीमेंट्स करती हैं, और आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि हर कंपनी एडवांस में आकर के टॉप लॉ फर्म्स को एंगेज करती है, अपने एग्रीमेंट्स उनसे वेट करवाती है और तब अपना बिजनेस चालू करती हैं। ऐसे फर्म्स की संख्या दिल्ली में कम से कम 100 है, इसी तरह से बॉम्बे में होगी, इसी तरह से अहमदाबाद में होगी, बेंगलोर में होगी। मेरी आपसे अनुरोध है कि लीगल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, उसको प्रोत्साहित करें, और जो बच्चे आज लीगल एजुकेशन लेकर के लॉयर्स बनते हैं या फॉर्म्स में काम करते हैं, मैं जानता हूं कि उनकी पर मंथ की इनकम किसी भी जज से 10 times है। मेहता साहब ने और अन्य अधिवक्ताओं ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर जोर दिया था और वो हर धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, वह है सर्विस। और
जीतो के भी ऑब्जेक्टिव में ये बात लिखी हुई है कि सर्विस। आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, दो लेख ऐसे हैं जो जरूर पढ़ें। मैं आज छोड़ के जाऊंगा शांतिलाल जी के पास, मैं शायद उसकी कॉपियां करवा के बंटवा सके। वो एक तो है भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 15 अगस्त 1947 को दिया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आजादी के दिन। एक एक शब्द उस भाषण के दर्शाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के महानतम नेता थे, स्टेट्समैन थे, लीडर नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, स्टेट्समैन थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना है उसके बारे में रूपरेखा लिखी है, गाइडलाइंस लिखी है, आप जरूर पढ़िएगा। दूसरा लेख है 2 नवंबर 2009 को प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो नोबेल प्राइज विनर हैं उन्होंने दिया था पार्लियामेंट हाउस में, प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी की व्याख्यान माला है, दूसरी व्याख्यान माला थी वो, उसमें 15 से लगाकर के 18 पन्नों तक जरूर पढ़ें। शायद आपको यह आभास होगा कि आज इस देश में 60% जो गरीब हैं उनके बारे में आपका क्या कर्तव्य है और आप क्या कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गरीब की तुलना एक बोनसाई ट्री से की है। वो लिखते हैं कि सभी लोग बराबर होते हैं, जैसे बीज बोए जाते हैं, जिनको अच्छी सॉइल और अच्छी खाद मिलती है वो एक बड़ा पेड़ बनता है, जिनको अच्छी सॉइल और खाद नहीं मिलती है वो बौने रह जाते हैं, और वो गरीब जो हैं वो बोनसाई हैं। वो कहते हैं कि ऐसा समाज हमें निर्मित करना है, निर्माण करना है, जिसमें एक म्यूजियम होगी और आने वाली पीढ़ियां ये देखेगी कि हमारे पूर्वजों के जमाने में ऐसे गरीब भी रहते थे। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह मानता हूं कि आने वाले समय में यह संगठन दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहेगा, और आप लोगों ने जिस प्रचंड वेग से 7 सालों में प्रगति की है उसकी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी, और आप एक अराजनीतिक, राजनीति के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, अराजनीतिक प्रबल संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम होंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कल जब वार्तालाप हो रहा था तो बहुत देर तक जैन समाज के विभिन्न खंडों के बारे में बात हो रही थी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है यंगर जनरेशन को इस समाज के टुकड़ों के बारे में न तो कोई जानकारी है न कोई इंटरेस्ट है, और ये बहुत अच्छा है कि यंगर जनरेशन अपने धर्म को समझ ले। अपना धर्म है सिर्फ सेवा, ड्यूटी और सेवा जो मानता है उसके लिए कोई भी समाज का खंड है या कोई हिस्सा है, कोई सेक्ट है, रेलेवेंस नहीं रखता है। थैंक यू। Honorable